राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास होने के बाद मुस्लिम महिलाएं काफी खुश हैं। इंदौर में भाजपा कार्यालय पर मुस्लिम महिलाओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। देखें इस रिपोर्ट में। 3 तलाक बिल पर मुहर लगते ही मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इंदौर में भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर मुस्लिम महिलाओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को मिठाई खिलाई और जश्न मनाया। इस दौरान महिलाओं के चेहरों पर बिल के पास होने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। पास होने पर मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि इस बिल से मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बचेगी। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। आज सब मिलकर जश्न मना रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों का जीवन अंधकार में था। अब हमें बहनों को उम्मीद है कि ऐसा सख्त कानून आया है जिससे हमारे बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। बहू बेटियाँ बहुत खुश है, सबके चेहरे पर खुशी है, सबने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, मुंह मीठा किया और हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं और हम देश के साथ हैं। जी हाँ, मैं काम कर रही हूँ। कई महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं जो आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाती हैं क्योंकि उनके 2-4 बच्चे होते हैं और वो बच्चों की परवरिश के लिए कुछ नहीं कर पाती हैं, ना ही वो पढ़ी लिखी हैं, ना ही सेल्फ डिपेंड है, तो वो महिला करे तो क्या करे। और उसके अपने पति का साथ है, वो भी छूट गया, घर से भी गरीब है, तो कई बार बड़ी दिक्कतों का सामना इस समाज में आता है, वो चुनौती भरा जीवन हो जाता है, बच्चों की बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो जो कदम सरकार ने उठाए हैं हम उनका स्वागत करते हैं और इस फैसले से बहुत ही खुश हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को दिया हुआ अपना वादा निभा दिया, जिसके बाद मुस्लिम महिलाएं अपने शादीशुदा रिश्ते में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।